धमतरी जिले का नंबर वन कहे जाने वाला नरहरा वाटरफॉल जो कि बारिश के दिनों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगा रहता है और अभी 3 से 4 दिन लगातार बारिश होने के कारण इस प्रकार से खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। अगर आप भी इस जगह पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं क्योंकि बारिश लगते ही इस प्रकार से खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता रहता है और दूर दूर से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते ही रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं नरहरा वाटरफॉल जो कि धमतरी जिले का नंबर वन वाटरफॉल माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा पानी चालू है इस जगह में क्योंकि यहां से आवाज़ आ रहा है और बारिश भी अच्छा खासा हुआ है 3 से 4 दिनों के अंदर में। तो चलते हैं और आपको खूबसूरत सा वाटरफॉल का नज़ारा दिखाते हैं, किस प्रकार से पानी का बहाव देखने को मिलता है और कितने लोग इस जगह पर पहुंचे हुए हैं घूमने के लिए। तो बने रहिए वीडियो पर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ से देख सकते हैं पानी का बहाव कितना ज़्यादा है क्योंकि बारिश हुआ है अच्छा खासा इसलिए, और वाटरफॉल भी यहाँ पे नीचे का साइड जो गिरता है वो वाटरफॉल का रूप लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा लगता है। तो चलते हैं आपको नीचे का साइड ले जाकर दिखाते हैं किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना ज़्यादा पानी का बहाव है वाटरफॉल में, इस प्रकार से देखने को मिलता है सुंदर सा व्यू यहाँ पे। तो 4 लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं फिलहाल, देख सकते इस प्रकार से नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नीचे के साइड और इधर का नज़ारा देख सकते हैं किस प्रकार से वाटरफॉल का खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। यही देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहीं पे इंजॉय करते हैं, नहाते नहाते भी हैं यहीं पे और यहाँ पे नीचे पे गहरा भी है जहाँ पे डुबकी वगैरह लगाते हैं। कुछ कुछ लोग इस जगह पर पहुँचे हुए हैं लेकिन आज बहुत कम भीड़ है क्योंकि 3 से 4 दिन हुआ है अच्छा खासा बारिश हुआ है, पहले वाटरफॉल यहाँ पे चालू नहीं था, अभी चालू हुआ है, उसके हिसाब से अब यहाँ पर भीड़ लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो नीचे से आप और दिखाते हैं और यह है गहरा, इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है। ये है काफ़ी गजब का नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम चलते हैं उस पार क्योंकि यहाँ पे एनीकट जैसे बना हुआ है पार करने के लिए, वो रास्ता बन जाता है, इस पार से उस पार भी जा सकते हैं, मंदिर के साइड भी जा सकते हैं। तो चलते हैं, बने रहिए वीडियो पर, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे एनीकट जो बना हुआ है, पानी का बहाव देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है, पानी का बहाव काफ़ी गजब का है। तो देख सकते हैं यहाँ से पानी का बहाव किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है और अभी 3 से 4 दिन लगातार बारिश हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ था, इसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था यहाँ का नरहरा वाटरफॉल का। देख सकते हैं इस साइड से निकेड़ जो हम अभी पार करके आए हैं इस साइड से है। तो दोस्तों अगर आप भी इस जगह पर आना चाहते हैं, धमतरी से 50 किलोमीटर दूरी पर कोटर वही गाँव से यह वाटरफॉल लगा हुआ है और यहाँ का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से लिंक करके आप आसानी से इस जगह पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से देखने को मिलता है वाटरफॉल, इतना ज़्यादा पानी का बहाव, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पानी अभी चालू है और यहाँ पे यहाँ पास बैरिकेड भी लगा हुआ है, मस्त लगा दिए हैं क्योंकि एक घटना मतलब 3-4 घटना यहाँ पर हो चुका है। तो दोस्तों 2024 में नरहरा वाटरफॉल का काफ़ी खूबसूरत सा दृश्य देखने को मिलता है क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है। फिलहाल आप इस जगह पर आसानी से पहुँच सकते हैं क्योंकि कोटर वही से लगा हुआ है नरहरा वाटरफॉल, फिलहाल इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी लगा रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।